जहां तक सोशल सेक्टर का सवाल है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 28.52 करोड़ बैंक अकाउंट खोलने का काम कर आज देश के हर गरीब परिवार को अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सुरक्षा योजना के तहत 13 करोड़ लोगों का बीमा उतार कर उनको एक सुरक्षा कवच देने का काम किया है। 2 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को गैस का चूल्हा पहुंचाकर उनकी झोंपड़ी में से धुएं को गायब करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और 5 करोड़ लोगों को गैस देने का 2019 के पहले लक्ष्यांक तय किया है। गिव इट अप के तहत 1.5 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी स्वतः ही छोड़ दी है। जेनरिक दवाओं और अमृत स्टोर के माध्यम से गरीब को अपने स्वास्थ्य लाभ का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। स्टेंट का मूल्य को 7,000 से लेकर 40,000 तक सीमित कर गरीब को भी अपने दिल का इलाज कराने का अधिकार दिया है। 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली ही नहीं थी, उसमें से 13,000 गांव में बिजली पहुंचा दी गई है। और 2018 मई के पहले, मतलब 1 साल के बाद, ये सारे गांवों में बिजली पहुंचाने का काम हो जाएगा। मुद्रा बैंक के माध्यम से लगभग 7.5 करोड़ युवाओं को स्वरोजगारी के लिए लोन देने का काम हमने किया है। 2018 में लेप्रसी और कालाजार से मुक्त होने का भारत ने एक लक्ष्य सिद्ध किया है और वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ा है। और 2020 तक चेचक से मुक्ति पाने का लक्ष्य हमने तय किया है, वो भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ा है। 4.5 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 7.5 करोड़ बच्चों को टीका देने का काम किया है। स्किल इंडिया के माध्यम से बहुत बड़ा स्किल अपग्रेडेशन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लगभग स्टैंडअप, स्टार्टअप और मुद्रा बैंक तीनों मिलाकर लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगारी देने का काम किया है। मेक इन इंडिया के माध्यम से देश के अंदर उत्पादन बढ़ाना और रोजगारी को जनरेट करने में बड़ी सिद्धि हासिल की है। न्यूनतम मजदूरी में 42% की वृद्धि हुई है। यूनिवर्सल पीएफ अकाउंट के माध्यम से उनकी बहुत सारी तकलीफों को मजदूरों की दूर किया गया है। 1,000 रुपया मिनिमम पेंशन कर गरीब मजदूर और बूढ़े मजदूरों को सम्मान देने का काम किया है। वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों के लिए इंटरव्यू समाप्त कर मेरिट से सबको लेने के लिए एक बहुत बड़ा पारदर्शी सिस्टम भारत सरकार ने अपनाया है।